लगता है ये पुलिस की गाड़ी जो है बाय बाय भी कर रहे हैं। आज 26 जनवरी जो है पुलिस जो है अपना काम जो है ग्राउंड जीरो पर अंजाम दे रहे हैं। इस बर्फ के लिए आज कश्मीर के लोग जो है तरस रहे थे, ये देख लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की दुआओं की वजह से आज 26 जनवरी 2024 में स्नोफॉल देखने को मिला है। मैं जल्दी से लोगों को ये नज़ारा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं अभी हीरपुरा में हूँ और मैं हीरपुरा का विजुअल आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देख सकते हो आप, जिसका इंतज़ार लोगों को था, लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो इस बर्फबारी ना होने की वजह से फसलों में बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता था, लेकिन सबसे मास्टरमाइंड प्लान जो रखने वाला है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद है, वही जानता है सही क्या है गलत क्या है। तो हम खुद नहीं बता सकते क्या आने वाले वक्त में होगा क्या नहीं होगा। सब कुछ जो करने वाली जात है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। हमारी धरती पे कुछ नेक लोग भी रहते हैं, हमारी तरह गुनहगार नहीं है। हम गुनहगारों की वजह से ये जो शहमत है ये आ जाती है, ये आफाल आ जाते हैं लोगों को। लेकिन इस सरजमी पे नेक लोग भी है जिनकी दुआएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कबूल किया है। कभी कभार जब बर्फ ज्यादा भी पड़ता है बहुत सारे लोग ये भी कहता है ऐसे लानती बर्फ कैसे क्यों नहीं। और अभी भी मैंने भी सुना था, मैंने एक दो दिन पहले लोगों को कहा था बर्फबारी होनी चाहिए, कह रहे हैं कि किस वजह से, हमें जरूरत नहीं है। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि ये बर्फ हमारे लिए क्या कुछ नहीं लेकर आता है। फिर समर में कहाँ जाना है रफीक साहब, कैसा लग रहा है बर्फबारी की पड़ने की वजह? बहुत अच्छा लग रहा है, खुश लग रहे हो, कांगड़ी साथ में लेनी थी। हम गुनहगार हैं, हम तो यही कहेंगे ऐ खुदा हर फैसला तेरा मुझे मंजूर है, सामने तेरे तेरा बंदा बहुत मजबूर है। हम मजबूर है तो हम यही चाहते, हर दुआ मेरी किसी दीवार से टकरा गई, बेअसर खोकर मेरी फरियाद वापस आ गई। जिन दुआओं में असर नहीं होगा वो दुआ डेफिनेटली वापस आ जाते हैं, लेकिन जिन दुआओं में असर होंगे वो दुआ बिल्कुल कबूल हो जाते हैं। और यहाँ पे कुछ नेक लोग हैं, बहुत ज्यादा नेक लोग हैं इस सरजमीन पे जिनकी दुआओं में असर था, और उन दुआओं के असरों की वजह से यहाँ पे आज बर्फबारी देखने को मिले। इस बर्फ के लिए आज कश्मीर के लोग जो है तरस रहे थे, ये देख लीजिए। इसी के वजह से लोग तरस रहे, ये देख लीजिए। ये बर्फ जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत की नियामत है और इस नियामत की कदर करनी चाहिए। ये देख लीजिए आप, हीरपुरा है, ये पुलिस की गाड़ी जो है बाय बाय भी कर रहे हैं। आज 26 जनवरी जो है पुलिस जो है अपना काम जो है ग्राउंड जीरो पर अंजाम दे रहे हैं।